राधे राधे। अरे मनोलाल जी, ये क्या लेके जा रहे हैं? ना ये कछु ना, वो तो मैं, आप कहाँ जा रहे हो? वो हमारी दवाई खत्म हो गई थी तो सोचा लेके आऊं। अरे राधे राधे, मरवाओगे का? आपकी तबीयत खराब है, आप जाओगे? ना ना मैं ले आऊंगा दौड़ के। नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चला जाऊँ। अरे ना महाराज, आप बात को समझो, आप मत जाओ, आप जाओगे तो सब गड़बड़ है जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे जे मैं आपको समझा ना सकूं और आप अपने आप समझ ना सको। आप तो बहस करो ही मत, दवाई को पर्चो मोकु दे दो, मैं ले आऊं। लेकिन पैसे? पैसा है मेरे पास, सुप्रिया ने दिया है मोकु। आपकी मर्जी। ऐसे रोलाल जी, आपके और प्रमिला के हमारे पर कितने उपकार हैं, जितने भी गिनो उतने ही कम है। अरे राधे राधे, अब इतनी भी तारीफ मत करो जीजा जी के, माथा ही खराब है जाए। अरे भाई, काम करना तो हमारी बचपन की आदत है, और फिर सुसरे घर के काम करने में काय बात की शर्म है। हाँ, आप वो उपकार की क्या बात कर रहे हैं? उपकार की बात तो है ही, आपने हमारी बेटी प्रांजल की शादी करवा दी, उसकी वजह से सुमन को अमित मिला, और अब सीता जैसी बहू सुप्रिया मिली। हाँ सर, लायो तो मैं ही हूँ बहू बना करके, और सीता समझ के ही लायो। ना मतलब जी जीजा जी के भाई, बहू आपको पसंद आ गई है? गई। मेरी मेहनत तो कामयाब है गई है कि नहीं? नहीं तो काहे जीजा जी, वो प्रमिला दिल्ली के साथ में मैंने पिक्चर देखी बहुत टाइम पहले, वो बहन की जुड़वा का। हाँ, सीता और गीता, वामे साहब सीता को पाठ तो बड़ा अच्छो, लेकिन गीता को पाठ सुसरी को बहुत खराब। हाँ हाँ मनोहरलाल जी, वो पिक्चर तो मैंने भी देखी है। अच्छा अच्छा, लेकिन गीता बुरी नहीं थी, वो बुरी बुरे लोगों की थी। और वैसे यहाँ पे तो हम सभी अच्छे ही हैं। सो तो है, सो तो है। अभी बात में भटक जाएंगे, आप दवाई को पर्चो ले आओ, मैं दवाई ले आऊंगा आपके वास्ते। ठीक है, काहे को लेके आ? हाँ ना। हेलो हेलो सुमन, सुप्रिया बोल रही हूँ। भाभी आप कैसी हैं? आप? मैं तो ठीक हूँ सुमन। हमारी प्रांजल कैसी है? अभी तक तो ठीक है भाभी, लेकिन आगे का बता नहीं सकती। तुम सच कह रही हो सुमन, प्रांजल ज्यादा देर शांत रहने वालों में से नहीं है। हाँ भाभी, वैसे भी वो आजकल आपके नाम से बड़ा टेंशन लेती है, एंड द क्रेडिट गोज टू यू। हाँ भाभी। अरे नहीं, क्रेडिट आल्सो गोज टू यू। अरे वे, अगर प्रांजल ने कोई नया खेल खेलने की कोशिश की ना, तो तुम मुझे खबर कर दो। भाभी मुझे नहीं लगता वो अब कुछ ऐसा करेगी। वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि आजकल अमित बाबू क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है तुमसे इश्क करने के अलावा। भाभी आप भी आओ। अच्छा एक बात बताइए, आपका और भैया का कैसे चल रहा है? हाँ वो तो तुम उनसे ही पूछ लो, फिलहाल तुम मुझे चीज़ा जी के बारे में बताओ। बस भाभी, कोशिश में तो लगे हैं कि कोई नया काम शुरू करें, और वीरेंद्र भैया भी उन्हीं के साथ हैं। एक बात बताऊं सुमन, सिर्फ वीरेंद्र से बात नहीं बनेगी। He needs a well experienced man. अच्छा एक काम करते हैं, उनके बिजनेस के लिए मैं एक वेल एक्सपीरियंस मैनेजर भिजवा देती हूँ। ओके? भाभी कहीं आप ही उन्हें ज्वाइन तो नहीं कर रही हैं? अरे नहीं रे बाबा, तुम्हारे मम्मी मामा जी और प्रांजल ने मुझे इतने काम दे रखे हैं कि उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती। मैं किसी और को भेजूंगी और साथ में फोन भी कर दूंगी। ओके ओके भाभी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट सर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। नहीं नहीं सर, आपने सचमुच हमारे लिए बहुत मेहनत की है। मैं ये फाइल पढ़ती आपको फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या बात है सुमन, बड़ी खुश हो? हाँ मैं यही सोचकर खुश हूँ कि इंसान को कभी ना कभी अपनी अच्छाइयों का फल मिल ही जाता है ना। वैसे ही ना, जैसे मेरी अच्छाइयों का फल तुम। मजाक छोड़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो भैया और पापा की बात कर रही हूँ। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा भला ही चाहा है। तुम ठीक कह रही हो सुमन, अब देखो ना प्रकाश भैया आज तक भी हमारी कितनी हेल्प करते हैं,
हाँ हाँ, लेकिन भाभी उनसे एक कदम आगे हैं। भैया को ना जैसी बीवी चाहिए थी उन्हें वैसी ही मिली। सुमन प्लीज स्टॉप इट, मैं ये सुप्रिया भाभी की तारीफें सुन सुनकर बोर हो चुका हूँ, कुछ और बातें करते हैं। वैसे सुमन ये सुप्रिया भाभी है तो अच्छी। She's a nice lady. हाँ मैं, भाभी भी ना हमें बहुत बहुत चाहती है। यकीन नहीं आता मैं, इतने बड़े घर की लड़की, इतने बड़े बिजनेसमैन की लड़की, लेकिन कितनी सिंपल है ना, हम सबका कितना ध्यान रखती है। पता है भैया से ज्यादा भाभी को टेंशन है हमारे बिजनेस की। जब मैंने उनसे अपने प्रॉब्लम की बात की तो उन्होंने कहा कि वो आपको एक वेल एक्सपीरियंस मैनेजर दिलवा देंगे। वाओ दैट्स ग्रेट, मैं भी ऐसे आदमी की तलाश में था। इनफैक्ट फोन पर संतोष जी के साथ इसी के बारे में बात चल रही थी। अमित ये संतोष जी मंतोष जी का ना छोड़ दो, हम तो उसी को रखेंगे जिसे भाभी दिलवाएंगे। ओके ओके मैम साहब, योर विश इज माई कमांड, आपका हुक्म सर आंखों पर। आखिरी जिंदगी आप ही के साथ तो गुजारनी है। क्यों, कोई और इरादा है क्या? हाय काश ऊपर वाला मुझ पर इतना मेहरबान हो जाए। अमित कम ऑन सुमन, आई वाज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। यू नो हाउ मच आई लव यू। नो आई डोंट सुमन, आई लव यू वेरी वेरी मच। अरे मामा जी आप अभी तक गए नहीं? बस वो जा ही रहा हूँ बिटिया, वो काहे जीजा जी के पास थोड़ी देर लग गई, दवाई को परचो ही ना मिलो उनको। अब मिल गया ना, अब आप जल्दी जाइए, पार्टी इंतजार कर रही है, मैंने उन्हें फोन भी कर दिया है। हाँ हाँ बस मैं जा ही रहा हूँ, अच्छो क्यों तेने फोन कर दियो, सब काम ठीक है जाएगा, तू चिंता मत करियो है। राधे राधे। आई होप मामा जी आप सब काम ठीक से ही करें। सुप्रिया ये लो चाय। मामी जी ये चाय आप पियेंगी, आइए बैठिए यहाँ पे। मैं जानती हूँ आपने भी चाय नहीं पी है, आपकी चाय का वक्त भी हो गया, पीजिए। लेकिन पीजिए ना मामी जी, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पूछो बेटी। आप प्लीज मेरे लिए कोई तकलीफ मत उठाइएगा, मैं उम्र में भी आपसे छोटी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुप्रिया बेटी तुम। बस आपने बेटी कह दिया ना, इतना ही काफी है, अब इससे आगे और कोई तारीफ नहीं। अच्छा मामी ये बताइए कि कुसुम का कोई फोन आया? कहाँ बेटी, वो तो महीनों महीनों फोन ही नहीं करती। अरे इतनी भी क्या बसे कि अपनी ही माँ को भूल गए? जरा मुझे उसका फोन नंबर और एड्रेस तो दीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो मेरी इतनी अच्छी मामी से दुख क्यों पहुँचा। मैं उसे डांटूंगी, आप बुरा मत मानिए। मामी मामी प्लीज प्लीज मत रोइए, एक आप ही तो है इस घर में जिसमें मुझे मेरी माँ नजर आती है, और माँ अपनी बेटी के सामने कभी रोती नहीं, फिर चाहे वो बेटी कुसुम या सुप्रिया। इस जन्म के सुख और दुख हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में नजर आता है। तभी कई बार संत महात्माओं पर भी दोष लगता है, जो गलती करेगा तो सजा तो पाएगा ही, और ये तो मानी ही बात है। और क्या? नहीं राधिका, ये गणित इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम संसार सागर के रिश्ते में डूबते तैरते रहते हैं, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है एक फूल की गलती की सजा सारे गुलशन को मिल जाती है, और गुलशन की गलती की सजा फूलों को मिल जाती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं भाभी माँ। इसका मतलब ये है लक्ष्मी, कभी कभी किसी की गलती की सजा किसी और को मिल जाती है। मैं देखती हूँ भाभी माँ। हेलो, हाँ करेक्ट नंबर है। हाँ है।
भाभी माँ आपका फोन। किसका है? वही लड़की लगती है। ला मुझे दे। हेलो। हेलो मंजिला, लगता है आपके आसपास काफी भीड़ है। और मैं क्या कहूँ, कहना तो अब आपको है। तो आप नहीं बोलेंगे। एनीवे, मैं आपको 2 दिन की मोहलत और देती हूँ। इन 2 दिनों में मुझे भी अपने कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अब मैं आपको फोन 2 दिन के बाद करूँगी। भाभी माँ, ये लड़की बार बार फोन क्यों करती है? और भाभी माँ, बात भी बहुत बदतमीजी से करती है। पूछती है, मंजुला देवी है? कोई रॉन्ग नंबर था राधिका। आप मेरी और इस तरह क्या देख रहे हैं? मैं कोई झूठ बोल रही हूं? फोन मैंने खुद उठाया था। किसी लड़की का फोन था। पहले उसने नंबर कंफर्म किया, फिर भाभी माँ का नाम पूछा और तब मैंने फोन भाभी माँ को दिया। फिर भाभी माँ ने उससे कुछ देर बात भी की, उसकी बात सुनी भी। राधिका दीदी भी वहां थी। हम दोनों ने भाभी माँ की पूरी बात सुनी और जब भाभी माँ से पूछा तो उन्होंने कह दिया समझ लो रॉन्ग नंबर था। ऐसा कैसा रॉन्ग नंबर था जिस पर भाभी माँ ने इतनी देर तक बात की? तुम भी लक्ष्मी, एक जरा से फोन कॉल के लिए क्या क्या सोचने लगी? क्यों, ये सोचने वाली बात नहीं है? नहीं, अरे भाई हो जाती है कई बार गड़बड़। कई बार हमें लगता है कि हमारा फोन है, फिर थोड़ी देर बात करने के बाद पता चलता है कि हमारा फोन नहीं है। क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हर बात में मिसअंडरस्टैंडिंग, नाम में भी और नंबर में भी। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर भाभी माँ कुछ छुपा रही है। हो सकता है लक्ष्मी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और भाभी माँ ने आज तक तुमसे या भाभी से कोई बात छुपाई है? नहीं बोलो, छुपाई कोई बात जो एक जरा से फोन की बात छुपाएंगी? और फिर ये भी तो सोचो ना कि टेलीफोन एक्सचेंज की भी तो गड़बड़ हो सकती है। हमारे ऑफिस में ही रोज कई बार 50 रॉन्ग नंबर लग जाते हैं। फिर होगा कोई एक्सचेंज का फॉल्ट। मैं भाभी माँ की बुराई नहीं कर रही हूँ। भाभी माँ हमसे कभी कोई बात छुपाती नहीं है, इसीलिए यह बात अखर रही है। खैर जाने दीजिए, मैंने आपको पूरी बात बता दी है। आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी? वही जो भाभी माँ ने कहा, रॉन्ग नंबर ही रहा होगा। एक रॉन्ग नंबर के लिए इतना टेंशन? तुम तो बस छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन ले लेती हो, और सच पूछो तो इसीलिए तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी मेरी तबीयत कहां से बीच में आ गई? लक्ष्मी ने खुद अपने कानों से सुना है। लक्ष्मी क्या झूठ बोल सकती है? राधिका, लक्ष्मी अगर झूठ नहीं बोलती तो भाभी माँ कहां झूठ बोलती? तुम तो भाभी माँ को बरसों से जानती हो। अब मुझे सच और झूठ का कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। कमाल है, मैं यहां परेशान हो रही हूं और आप हंस रहे हैं। ये कोई मजाक है क्या? मजाक नहीं है राधिका, लेकिन बात क्या है ये कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है।
बताइए ना। भाभी माँ हम लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाती है, लेकिन जो दान दक्षिणा वो करती है उसका ढिंढोरा भी नहीं पीटती है। हो सकता है कि वो लड़की भाभी माँ से कुछ मदद मांग रही है, और ये बात भाभी माँ तुम्हें और लक्ष्मी को बताना नहीं चाह रही होगी, इसीलिए कह दिया होगा कि रॉन्ग नंबर है। तो अब आई ना बात समझ में, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें भाभी माँ से कुछ पूछना नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल, अब तुम बेकार की चिंता छोड़, ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए तो वो लड़की बार बार फोन करती थी और किसी से बात नहीं करती थी, और शायद अब करेगी भी नहीं क्योंकि भाभी माँ से तो बात हो चुकी है। ये तो अच्छा हुआ, मैं जाकर लक्ष्मी को बता दूंगी, वो भी बेकार में मेरी तरह ही परेशान हो रही होगी। सुजाता तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। क्या खाक चाय? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। Come on, ये सब होते रहता है, ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशंस आते रहती हैं, उसे फेस करना होता है। ऐसी सिचुएशन मेरी जिंदगी में पहली बार आई है, कैसे फेस करूं? रात रात में नींद नहीं आती, डर सा लगा रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऊपर से तुम्हारा दीनदयाल धमकी देकर गया है, उससे तुम्हारा आदमी जॉन को भी खरीद लिया है, ऐसी मुसीबत में फंस गया। सुजाता मुसीबत आती है तो मुसीबत जाती भी है, समझी? ये कोई हमेशा रहने वाली मुसीबत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कब निकलेगा? तुमने कितनी कोशिशें की, तुम्हारा कोई पत्ता सीधा पड़ा? मैंने अब तक मेरे सारे पत्ते खेले नहीं, तुम्हें क्या लगता मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा? कोशिश जारी है मैडम, और कुछ ही समय में वो अपना रंग दिखाएगी। ये समझ कर बैठे हैं कि मैं हार मान कर बैठा हूं, गलत समझ रहे हैं। बकूल इतनी आसानी से हार मान कर बैठने वालों में से नहीं है।